वेबसाइट और ब्लॉग की अच्छी स्पीड होना आज के टाइम में एक नेसेसिटी बन चुका है। आज मैं आपको मेरी जो खुद की वेबसाइट की सेटिंग्स है, जो मेरा खुद का ब्लॉग है kripeshadwani.com, उसकी सेटिंग्स में आपको रिवील करूंगा। स्पेसिफिकली एक प्लगइन के बारे में आज मैं बात करूंगा, वो है WP Rocket, जिसको मैं अपने ब्लॉग में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूं। उसकी एग्जैक्ट सेटिंग्स क्या है, आपको कौन सी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, किसका क्या बेनिफिट है, सब कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। आज हम लोग बात करने वाले हैं WP Rocket की वर्डप्रेस सेटिंग्स के बारे में फॉर 2024। अब यहाँ पर पहले मैं आपको मेरा ब्लॉग और उसकी स्पीड्स बता देता हूँ। ये रहा मेरा ब्लॉग kripeshadwani.com। यहाँ पर हम लोग स्पीड टेस्ट होम पेज का नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू डू अ स्पीड टेस्ट ऑफ द ब्लॉग पेज। जैसे कि copy.ai का ब्लॉग है, हमेशा आपका स्पीड टेस्ट इसी पर ही होना चाहिए। यहाँ पे ये वाला ब्लॉग लगा है, साइड बार लगा है एंड प्रॉपर इमेजेस वीडियो सब है इस आर्टिकल में। इसका जब पेज स्पीड स्कोर किया तो इट वॉज कमिंग 94, विच इज़ रियली गुड। एनीथिंग अबाउट 80 इज़ रियली गुड। एंड इसके जब स्पीड टेस्ट देखा हमने तो इट वॉज बैंगलोर से यहाँ पे 1.4 सेकेंड की स्पीड मिल रही थी, साइज़ भी कम है, रिक्वेस्ट भी कम है इसकी। और न्यूयॉर्क से जब किया तो अंडर 2 सेकेंड्स इसकी थी, अप्रॉक्स 2 सेकेंड्स की, अगेन साइज एंड रिक्वेस्ट व वेरी फ्यू। अब एक बात समझने वाली ये है कि मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर आपकी वेबसाइट की स्पीड यहाँ पे डिपेंड करेगी। वेब होस्टिंग, प्लगइन्स, थीम्स, कैसे ऑप्टिमाइज किया है, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर योर स्पीड विल बी डिपेंडिंग। होस्टिंग के बारे में बात करूँ तो क्लाउडवेज एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिसपे मेरी वेबसाइट और मेरा ब्लॉग भी होस्टेड है। एंड क्लाउडवेज इज़ ऑल्सो द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज़ वीडियो, इसके बारे में मैं थोड़ा आगे बात करूँगा। प्लगइन्स के बारे में बात करूँ तो जितने कम से कम मिनिमल प्लगइन्स आप लोग रखोगे उतना अच्छा है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए यहाँ पे प्लगइन्स मत डालो कि आपको एक बटन चाहिए, आपने बटन के लिए ही पूरा एक प्लगइन यहाँ पे डाल के रखा है। तो यूज़ मिनिमल और रेप्यूटेटेड प्लगइन्स। पुराने प्लगइन्स जो रेगुलरली अपडेट नहीं हो रहे हो, जिनके ज़्यादा डाउनलोड्स नहीं हो रहे हो, उनको अवॉइड करो। तो थीम्स के बारे में बात करो तो जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश थीम्स है, जिनका क्लीन कोड है, उनको यूज़ करने की कोशिश करो। केडेंस, एस्ट्रा, जनरेट प्रेस, ये कुछ थीम्स है मेरे ब्लॉग पे, यहाँ पर फिलहाल के लिए जनरेट प्रेस लगी हुई है। देन कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहाँ पर आप लोग डिफरेंट प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि नाइट्रोपैक हो गया, उसका मैंने रिव्यू वीडियो बना के रखा है, लाइट स्पीड कैशे प्लगइन हो गया, WP Rocket हो गया, ये सब मैंने इसको यूज़ किया है, इन सब के रिव्यूज़ बनाए हैं अलग अलग वेबसाइट पे। मैं इसको यहाँ पे काफ़ी टाइम से यूज़ कर चुका हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर काफ़ी मंजावा खिलाड़ी हूँ एंड बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस WP Rocket ने मुझे काफ़ी वैल्यू प्रोवाइड करी है। WP Rocket की प्राइसिंग के बारे में बात करें तो ये फ्री प्रोडक्ट नहीं है, इनका फ्री ट्रायल भी नहीं आता है। इनका सिंगल प्लान है, $59 से स्टार्ट होता है फॉर वन वेबसाइट। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड नो, दे आर नॉट स्पॉन्सर्ड दिस वीडियो, सिर्फ वो लिंक रहेगा, वो एफिलिएट रहेगा। मीन्स इफ यू परचेज थ्रू माई लिंक, आई विल गेट अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कमीशन विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू यू। अगेन, उन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया है, मैं खुद इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। 2020 में मैंने पहले इसको खरीदा था, फिर उसको रिफंड कर दिया, दैट वॉज फॉर टेस्टिंग पर्पज़। फिर 21, 22, 23 और अब 24 में भी इसको यहाँ पे रिन्यू करने वाला हूँ। तो पिछले 4-5 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तभी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। किसी ने स्पॉन्सर नहीं दिया है, किसी ने फ्री नहीं दिया, दिस इज माई ओन अकाउंट। एंड या इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट माई वर्क, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे, ताकि मैं इस तरह के आप लोग के लिए वीडियोज़ ला पाऊँ। सो यू कैन यूज़ माई लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच। एंड इस पर 14 डेज़ का रिफंड भी है, तो अगर आपको नहीं पसंद आया, आपको सेटिंग्स पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखे, तो आप लोग रिफंड एनी वेज क्लेम कर सकते हो। सो दिस इज माई ब्लॉग। अभी हम लोग जाएंगे WP Rocket पे एंड नीचे यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट कैशे प्रो दिख रहा होगा, ये WP Rocket का नहीं है, ये होस्टिंग का है, होस्टिंग की तरफ से आपको आता है। एंड टॉकिंग अबाउट होस्टिंग, ये जो मेरा ब्लॉग है ये फिलहाल होस्टेड है क्लाउडवेज के ऊपर। देखो, ऑप्टिमाइजेशन से पहले आपकी होस्टिंग आती है। होस्टिंग मींस कि आपका बेस क्या है वेबसाइट का, नींव जितनी स्ट्रांग होगी उतना अच्छी आप लोग यहाँ पे बिल्डिंग बना पाओगे। एंड क्लाउडवेज होस्टिंग का यहाँ पर काफ़ी फायदा मिल जाता है स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस में, क्योंकि यहाँ पर क्लाउडवेज अपनी एक मैनेजमेंट लेयर लगाती है ऑन टॉप ऑफ अनमैनेज होस्टिंग। ये शेयर्ड होस्टिंग की तरह काम नहीं करती है। जो रिसोर्सेज है, जो सर्वर साइज है, जो पूरा आपके सर्वर की स्ट्रेंथ है, वो सिर्फ आपको एलोकेट होती है। इसकी वजह से हाई ट्रैफिक आने पर परफॉर्मेंस के लिए, स्पीड के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इसकी प्राइसिंग यहाँ पे स्टार्ट होती है $11 से, और अगर आप लोग मेरा नीचे दिए गए लिंक पे जाओगे go.kripeshadwani.com/cloudways एंड इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड कृपेश, तो यहाँ पर आपको 20% ऑफ भी मिल जाएगा फॉर 3 मंथ्स। यहाँ पे आई विल रिकमेंड दिया 2 GB सर्वर, जिसके अप्रॉक्स कॉस्ट आपको $24 पर मंथ मिल जाएगी। एंड इस पर आपको ऑब्जेक्ट कैश प्रो भी मिल जाएगा। और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से लोगे go.kripeshadwani.com/cloudways से, तो यहाँ पर आपको क्लाउडवेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि क्लाउडवेज को कैसे यूज़ करना है। और एक मेरा लाइटनिंग ब्लॉग्स का कोर्स है, जिसमें बताया कि आप लोग कैसे न्यू ब्लॉग्स बना सकते हो, किस तरह से उसका ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, स्पीड कैसे रहेगी, सिक्योरिटी कैसे रहेगी,
कुछ इस तरह का ब्लॉग आप लोग कैसे बना सकते हो अलॉन्ग विथ डिटेल्ड आर्टिकल कि किस तरह से आप लोग एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो, सब कुछ बताया मैंने इस ब्लॉग में, इस कोर्स में, वो आपको फ्री में मिल जाएगा इफ़ यू गो एंड बाय थ्रू माई लिंक। उसके बाद आपको यहाँ पर मेरी टीम को रीच आउट करना है, team@kripeshadvani.com। वो आपसे ऑथराइजेशन डेट और टाइम मांगेंगे कि कब आपने क्लाउडवेज को परचेज किया है लिंक से, कब ऑथराइज किया है। वंस यू वेरीफाई दैट, आपको उसका फ्री एक्सेस मिल जाएगा। अब चलते हैं WP रॉकेट की सेटिंग्स के ऊपर। ये रहा डैशबोर्ड, यहाँ पर बेसिकली कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है। आपको अगर अपना प्री लोड कैशे क्लियर करना हो, कैशे वगैरह अगर आपको क्लीन वगैरह करना हो तो यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। या फिर ऊपर से यहाँ पर क्लियर एंड प्री लोड कैशे, क्लियर यूज CSS, ये दोनों कर दोगे तो भी यहाँ पर आपका कैशे क्लियर हो जाएगा। अब सेटिंग्स के बारे में बात करी जाए तो कैशे में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इनेबल कैशिंग फॉर मोबाइल डिवाइसेस, कि मोबाइल डिवाइसेस के लिए भी यहाँ पर कैशिंग होनी चाहिए, इसको हमेशा टिक कर देना। सेपरेट कैशे फाइल्स फॉर मोबाइल डिवाइसेस, अगर आपकी मोबाइल का लेआउट डिज़ाइन आपने अलग से करके रखी है, उसके लिए अलग से CSS किया है कि मोबाइल में आपका वेबसाइट अलग से दिखेगी और डेस्कटॉप पे अलग से दिखेगी, तो यू कैन इनेबल दिस। बाकी मोस्ट केसेस में अगर आप लोग कोई भी मॉडर्न थीम का यूज़ कर रहे हो, केडेंस, एस्ट्रो, जनरेट प्रेस, तो सब यहाँ पर रिस्पॉन्सिव थीम्स रहती है, सबके लिए यहाँ पर सेपरेट कैश जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो फॉर 99% ऑफ द पीपल आउट देयर, वो यहाँ पे डिसेबल करके रखे इसको। अगर आपका डेवलपर बोलता है तो ही इनेबल करो, अगर आपके पास डेवलपर नहीं है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, इसको डिसेबल करके रखो। इसके बाद आता है यहाँ पे यूज़र कैश है। यूज़र कैश है अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है जहाँ पे लोग लॉग इन करते हैं, तो फिर इसको इनेबल करके रखो कि जो भी लॉग इन यूज़र्स हैं उनके लिए भी कैश मेंटेन रहे। तो यू नीड टू इनेबल दैट अगर यहाँ पर यूज़र वगैरह लॉग इन कर रहे हो तो। उसके बाद कैशे लाइफ स्पैन 10 आवर्स इज़ गुड इनफ। एंड देन फाइल ऑप्टिमाइजेशन, मिनिफाई CSS फाइल्स, मीन्स कि जो भी आपकी CSS फाइल है उसमें वाइट स्पेस जो है, उसमें एक्स्ट्रा स्पेस जो है, उसमें मान लो कि बहुत सारे एंटर डाल के रखें, तो इतने सारे थीम्स और प्लगइन्स की जो एक्स्ट्रा स्पेस रहती है, जो कमेंट्स वगैरह लिखते हैं डेवलपर्स ताकि उनको ईजिली यहाँ पे कोड समझ में आ जाए, वो आपके लिए या एंड यूज़र के लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती है, इसीलिए उसको यहाँ पे मिनिफाई करोगे तो वो रिमूव हो जाएगी। इसको आप लोग सेफली यहाँ पे मिनिफाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देन वी हैव ऑप्टिमाइज CSS डिलीवरी, इसको ऑन कर देना। इसमें आपको रिमूव अनयूज CSS का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके जो भी आपकी अनयूज CSS है उसको रिमूव किया जा सकता है। मीन्स मान लो मैंने यहाँ पे एक प्लगइन का यूज़ किया है, उस प्लगइन ने हर मेरे पेज के ऊपर एक CSS फाइल को ऐड कर दिया है फॉर द बटन, और उस पेज पे मैंने यहाँ पे उस बटन का यूज़ ही नहीं किया, तो जो बटन की जो CSS फाइल है वो मान लो कॉन्टैक्ट अस पेज में मैंने यूज़ ही नहीं किया, तो कॉन्टैक्ट अस पेज में वो CSS फाइल विल बी अनयूज CSS। उसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, गूगल भी इसको रिकमेंड करता है। पेज स्पीड स्कोर पे भी आप लोग देखोगे वो भी बहुत बार बोलता है कि जो भी अनयूज CSS उसको रिमूव कर दो। तो जब ये आप दोनों कर दोगे तो आपके अनयूज CSS की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। एंड बिफोर यू डू दैट, इसको एक बार अपनी वेबसाइट का बैकअप ले लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बैकअप ले लेना, ये चीज़ करके देखना, फिर अपनी वेबसाइट पर जाकर देखना अगर कोई चेंजेस हो गए हैं, कुछ चेंजेस आपको विजिबली अपियर नहीं हो रहे हैं कि सब कुछ अच्छे ठीक चल रहा है, तो ही आगे प्रोसीड करना। कभी कभार ये आपकी वेबसाइट को ब्रेक भी कर सकता है। उसके बाद जावास्क्रिप्ट फाइल्स, मिनिफाई, यस, जैसे मिनिफाई CSS था वैसे ही यहाँ पर जावास्क्रिप्ट मिनिफाई भी है। और कंबाइन, कभी कभार ये वर्क करता है, कभी कभार नहीं करता है। अगर आप लोग क्लाउडवेज यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि इसको डिसेबल रहने दो, अगर कोई और होस्टिंग यूज़ कर रहे हो तो यू कैन ट्राई इनेबलिंग इट और देख सकते हो कि उस पर कैसा ये वर्क कर रहा है। देन वी हैव लोड जावास्क्रिप्ट डिफर्ड, इसको ऑन कर दीजिएगा ताकि जावास्क्रिप्ट बाद में लोड हो जब उसकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट हो। वही यहाँ पर ये काम भी करता है, डिले जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, कि जब स्क्रॉल क्लिक हो, जब नीचे आए तब यहाँ पे लोड किया जाए। जैसे एनालिटिक्स हो गया तो सिर्फ वेबसाइट पे आ गया है तो उसको लोड मत करो, जब एक्चुअल में जब वो नीचे जाए स्क्रॉल करे तब उस जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे लोड किया जाए। एंड इन केस यू डोंट वांट दैट, मान लेते हैं कि एनालिटिक्स, वी वांट कि एनालिटिक्स आपके हमेशा शुरुआत से ही ऑन रहे ताकि आपको यहाँ पर प्रॉपर उसकी हिस्ट्री मिले, प्रॉपर ये मिले कि टाइम कितना स्पेंड किया है। उसके लिए यू कैन डिसेबल इट, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो वो चीज़ यहाँ पे डिले एग्जीक्यूशन नहीं होगा, उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पे पहले हो जाएगा। वैसे यहाँ पर एड्स भी है, और इफ़ यू आर यूजिंग एनी पर्टिकुलर प्लगइन्स जिस पे आपको ये सब नहीं चाहिए, जैसे कि WP फॉर्म्स, रैंक मैथ, या आप लोग जो भी थीम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो ये जो चीज़ है काफ़ी क्रिटिकल है, ये आपकी वेबसाइट को ब्रेक भी कर सकता है। तो अगेन इसको यहाँ पे इनेबल या डिसेबल करने के बाद अपनी वेबसाइट पे जाके देखो कि वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से फंक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, सारे क्लिक, सारे फॉर्म्स वगैरह सबमिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इट इज़ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन एक्चुअली ब्रेक योर वेबसाइट। देन फाइल ऑप्टिमाइजेशन को ध्यान से करने के बाद यू कैन गो टू मीडिया, यहाँ पर लेजी लोड को आप लोग इनेबल कर सकते हो फॉर ऑल दीज थ्री थिंग्स। मीन्स जो इमेजेस है वो पहले लोड नहीं होगी, जब यूज़र उस पर स्क्रॉल करेगा तभी लोड होगी, आई फ्रेम्स और वीडियोस के साथ भी सेम है, और CSS बैकग्राउंड इमेजेस के साथ भी यहाँ पर सेम ही रहेगा। अब यहाँ पर एक्सक्लूड करके रखा है मैंने दो इमेजेस को, वो कौन सी है, वो ये वाली है, ये वाला जो मेरा लोगो है, मैं नहीं चाहता कि ये
बाद में डिस्प्ले हो, ये पहले ही यहाँ पर लोड होना चाहिए, जैसे यूज़र आए तभी लोड होना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पर इसको एक्सक्लूड करके रखा है। इमेज डायमेंशंस में इसको तब आपको टर्न ऑन करना है अगर आपके पास लेआउट शिफ्ट्स की यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही हो। CLS में जब भी कुछ आपका स्कोर कम आए या फिर अनएक्सपेक्टेड लेआउट शिफ्ट्स हो रहे हैं तो यू शुड ट्राई टर्निंग दिस ऑन एंड सी इफ इट रिजॉल्व्स इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये प्रीलोड कैश है, काफ़ी पसंद है मुझे ये। यू कैन जस्ट क्लिक एक्टिवेट प्रीलोडिंग हियर, उसके बाद इनेबल लिंक प्रीलोडिंग, मींस कि ये ऑटोमेटिकली लिंक्स पे जाएगा और उसका कैश बना देगा। इसका ये वेट नहीं करेगा कि यूज़र आए, यूज़र पहले मेरे पेज पे विजिट करें फिर उसके बाद एक कैश बनाए, जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ द कैश प्लगइन्स वर्क करते हैं। तो यहाँ पर ये नहीं करेगा, इनका बॉट जाएगा सारे पेजेस पे विजिट करेगा, ऑटोमेटिकली वो पेजेस को जाएगा, देखेगा और उसका यहाँ पे कैश बना देगा। सेम यहाँ पे इनेबल लिंक प्रीलोडिंग में भी होगा। लिंक प्रीलोडिंग में ये होता है कि जो भी यहाँ पे लिंक रहेंगे, जो भी वेबसाइट को यूज़र विजिट करेगा और जो भी वेबसाइट के मेरे लिंक रहेंगे, जैसे कि बेस्ट वेब होस्टिंग है, इसका कैश बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली उसने बना दिया। जैसे मैं बेस्ट वेब होस्टिंग पर क्लिक करूँगा, ये देखो कितनी फास्ट खुली, क्योंकि इसका कैश ऑटोमेटिकली बन गया था बैकएंड में। ये कैसे हुआ है? ये हुआ है हमारे किधर गया, ये प्रीलोड लिंक्स की वजह से। तो इन दोनों को आप लोग इनेबल कर सकते हो, ये काफ़ी स्पीड पे आपका इंपैक्ट करेगा। सर्वर के लोग थोड़ी रिसोर्सेज लेंगे लेकिन स्पीड आपको काफ़ी अच्छी देंगे, इट इज़ वर्थ इट। इसीलिए यहाँ पर आपकी अच्छी होस्टिंग का होना जायज़ है, अगर अच्छी होस्टिंग लोगे तो ये जो सारे फीचर्स हैं ये अच्छे से काम करेंगे। इसके बाद एडवांस रूल्स में अगर आपको कुछ नेवर कैशे वगैरह इन सब में डालना है, कोई प्लगइन वगैरह आपका वर्क नहीं कर रहा है तो उनके सपोर्ट से कांटेक्ट करोगे तो वो बोलेंगे कि यहाँ पे उसको डाल दो, तो यू कैन हैव इट हियर। देन डेटाबेस में कुछ रिविजन्स वगैरह रहते हैं, ऑटो ड्राफ्ट, ट्रैश बोर्ड, स्पैम कमेंट्स, इन सब को यहाँ पर आप डिलीट कर सकते हो। शेड्यूल ऑटोमेटिक क्लीनअप से कि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाए, आई वोंट रिकमेंड इट। जैसे कि रिविजन्स है, मैं काफ़ी बार अपने पुराने आर्टिकल्स को जाके रिविजिट करता रहता हूँ, उसमें कभी कभार बहुत बार नए आर्टिकल्स में गलती हो जाती है तो पुराने वाले को रिस्टोर करने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन 7000 इज़ अ लॉट, मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर इसको थोड़ा कम करने की। बाकी ट्रैश कमेंट्स ये सारी चीज़ें काम की नहीं है तो यू शुड ऑलवेज डिलीट दिस। जैसे कि ये दोनों हैं, इन दोनों पे क्लिक किया मैंने और सेव चेंजेस एंड ऑप्टिमाइज। देन वी हैव CDN, यहाँ पर मैं बनी CDN का यूज़ कर रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छा है, यू शुड डेफिनेटली यूज़ दैट। बनी CDN के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो ले आऊँगा, डू लेट मी नो इफ यू वॉन्ट दैट वीडियो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। तो यहाँ पे इनेबल कर देना अगर यूज़ कर रहे हो तो, कोई और एक्सटर्नल CDN को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, और जो भी CNAME है वो यहाँ पर आप लोग उसका डाल सकते हो। नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर इसको डिसेबल करके रख देना। इसका फायदा ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पे कैश क्लियर करता हूँ तो जो मेरा CDN का कैश है वो भी क्लियर हो जाता है ऑटोमेटिकली। हार्ट बीट यहाँ पर है दिल की धड़कन है वर्डप्रेस की, कि वो कितनी बार धड़क रहा है, कितनी बार ब्लड पम्प कर रहा है आपकी वेबसाइट में, बेसिकली कितने वहाँ पे बैकग्राउंड टास्क को वो कंप्लीट कर रहा है कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स में। जैसे कि आपने कोई पोस्ट लिखी है उसको कितनी जल्दी जल्दी जाकर वो ड्राफ्ट में सेव कर रहा है, कितनी जल्दी जल्दी यहाँ पे स्पैम कमेंट चेक कर रहा है। तो ये जो सारे प्रोसेस चल रहे हैं बैकएंड में, ये API के थ्रू चलते हैं, हार्ट बीट API के थ्रू। तो यूजुअली अगर वो 15-20 सेकंड ले रहा है तो इफ़ यू क्लिक कंट्रोल हार्ट बीट तो वो 1-2 मिनट लेगा। तो दैट इज़ रियली गुड कि आपके सर्वर पे यहाँ पे लोड कम पड़े। तो इफ़ यू आर हैविंग हाई विजिटर्स तो इसको कंट्रोल हार्ट बीट कर लेना, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सर्वर रिसोर्सेज आपके कम कंज्यूम होंगे और सर्वर की हेल्थ और CPU लोड पे कम इफेक्ट पड़ेगा। और बाकी ये जो सेटिंग्स है इसको रिड्यूस पर ही रहने दो, इसको डू नॉट लिमिट या डिसेबल करने की जरूरत नहीं है, तीनों रिड्यूस पे ही यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेगी। देन यू कैन हैव एड ऑन्स वेब पी कंपैटिबिलिटी के लिए यूज़र सेपरेट प्लगइन। वार्निश, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लाउडवेज यूज़ कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर मुझे वार्निश मिल रहा है, तो योर साइट इज़ होस्टेड ऑन क्लाउडवेज सो दैट्स गुड, इसलिए वार्निश पेज की यहाँ पे कंपैटिबिलिटी है। वार्निश मींस कि सर्वर साइड यहाँ पर आपके डेटाबेस का कैशे रखा जाता है। तो ये दोनों यहाँ पर मेरा सिंक हो चुका है, तो जैसे ही मैं WP रॉकेट का यहाँ पे क्लियर कैशे करूँगा मेरे सर्वर से भी कैशे चला जाएगा, और याद होगा तो CDN को भी हमने यहाँ पे सिंक करके रखा है तो CDN से भी कैशे चला जाएगा। देन इफ़ यू आर यूजिंग क्लाउड फ्लेयर तो इसको आप लोग यहाँ पे ऑन कर सकते हो और अपनी API कीज़ वगैरह डाल सकते हो। क्लाउड फ्लेयर DNS के लिए अच्छा ऑप्शन है, यू कैन इंटीग्रेट इट विथ क्लाउडवेज। और WordPress सिक्योरिटी प्लगइन यूज़ कर रहे हो जैसे सुकूरी हो गया या सिक्योरिटी प्रो हो गया, जिसके लिए मैंने अभी काफ़ी रिसेंटली एक नई सेटिंग्स का वीडियो भी बनाया था, वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा WordPress को सिक्योर करने के लिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लेना उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या सेटिंग्स करनी है, क्या अभी चेंजेस करने पड़ेंगे आपको ताकि आपका WP रॉकेट ईजिली चले, या फिर किसी और सिक्योरिटी प्लगइन्स के साथ में अभी क्या सेटिंग्स करनी पड़ेगी वो मैं अभी आपको थोड़े आगे बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है तो देखते रहना वीडियो को। देन इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए इनका खुद का एक प्लगइन है इमेजिफाई करके, यू कैन यूज़ दैट। बट इफ़ यू वॉन्ट अ फ्री प्लगइन तो वो मैंने अपने यहाँ पे कोर्स में बताया है कि आप लोग कौन सा फ्री प्लगइन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फॉर लोडिंग इमेजेस एंड फॉर लेजी लोड, सबके लिए आप लोग यहाँ पे कौन से प्लगइन्स का यूज़ कर सकते हो, आपको लाइटनिंग ब्लॉक्स के मेरे इस कोर्स में मिल जाएगा जो कि आपको फ्री में मिल जाएगा अगर आप लोग क्लाउड वेज होस्टिंग लेते हो मेरे नीचे दिए गए लिंक से। एंड यू कैन मेल योर ऑथराइजेशन डेट एंड टाइम टू team@kripeshadwani.com।
मैं जो यहाँ पे इमेज के लिए यूज़ कर रहा हूँ अपने ब्लॉग पे फिलहाल के लिए, वो है शॉर्ट पिक्सल, ये एक फ्री टूल है। देन वी गो टू टूल्स, टूल्स में आप लोग जो भी सेटिंग्स वगैरह है यू कैन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, और जैसे जो मेरी सेटिंग्स है इफ़ यू वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट दोज सेटिंग्स, मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड आई विल जस्ट गिव दिस सेटिंग्स टू यू फॉर फ्री ऑब्वियसली। आप लोग इसको यहाँ पे नीचे इसका लिंक मिल जाएगा आपको, मैं आपको ये जेसन फाइल दे दूंगा एंड इफ़ यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट यू कैन चूज फाइल और इम्पोर्ट करके आप लोग डायरेक्टली मेरी सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट कर दोगे, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है कि आपकी वेबसाइट ब्रेक हो जाए इफ़ यू जस्ट डायरेक्टली इम्प्लीमेंट दिस विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि मेरी वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें और मैंने पर्टिकुलर चीज़ को क्यों यूज़ किया। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सारे वन बाय वन बताया है कि किसके क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, और इसके बाद यहाँ पे ट्यूटोरियल्स वगैरह है, इनका जो नॉलेज बेस है, जो ट्यूटोरियल कलेक्शन है, जो इनका सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है, तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट अगर आपको इस वीडियो के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो या फिर किसी की डिटेल में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि जो मैंने प्री लोडिंग आपको समझाई वो कैसे काम करती है, तो यू कैन वॉच देयर वीडियो या फिर उनके कस्टमर केयर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके लिए मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा था, वो ये है कि WP रॉकेट ना, क्योंकि ये आपके लिए बैकग्राउंड में इमेजेस को लोड करेगा, बैकग्राउंड में कैशे लोड करेगा, कैशे को यहाँ पे क्लियर कर देगा, ये सारी चीज़ें इनका बॉट करेगा, इसीलिए जो इनकी IP एड्रेस है वो आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो ये जो IP एड्रेस है, डाउनलोड द लिस्ट एज IPv फॉर्मेट, ये जो भी है ये आपको यहाँ पर पूरा कॉपी कर देना है, और जो भी आप लोग सिक्योरिटी प्लगइन यूज़ कर रहे हो उसमें आपको अलाउ कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में आपको पता होगा, वो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी यूज़ किया था, सिक्योरिटी प्रो, ये फ्री प्लगइन है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग चले जाएंगे, विल गो टू सेटिंग्स, सेटिंग्स में यहाँ पर आप लोग जो भी ऑथराइज IP है यहाँ पे इसको आप लोग पेस्ट कर दोगे, ये जैसे मैंने पेस्ट करके रखी है, एंड यू विल क्लिक सेव। इसके बाद ही आपका WP रॉकेट पूरी अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। ये मेजॉरिटी लोग नहीं बताते हैं आपको, यूट्यूब पे मैंने किसी को नहीं देखा ये चीज़ बताते हुए कि भैया ये सारी सेटिंग्स है, और उनकी सेटिंग्स फिर बाद में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाती क्योंकि शायद से वो ऐसे कुछ सिक्योरिटी प्लगइन का यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ और एक्सटर्नल चीज़ें यूज़ कर रहे हो जो कि ब्लॉक कर रही हो। तो हमेशा इन IPs को आप लोग देख लेना, इसका भी मैं लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा इस पेज का, इनकी IP हो सकता है कि चेंज हो जाए, तो हमेशा इस पेज पे जाना और जो भी इनकी IPs है, जो लेटेस्ट IP है, सिर्फ उसी को कॉपी करना। सो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको चीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, डू लाइक दिस वीडियो, इट रियली हेल्प्स मी अलॉट, इट रियली मोटिवेट्स मी अलॉट, एंड पसंद आया हो तो यू कैन यूज़ माई लिंक्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन बिलो टू परचेज वेब होस्टिंग, दीज टाइप्स ऑफ प्लग इन, एनी थिंग, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इट रियली हेल्प्स मी अलॉट। और इस तरीके से मैं ऐसे जो डिटेल और डेडिकेटेड वीडियोज होते हैं वो मैं ईजिली बना पाता हूँ इफ यू गाइज सपोर्ट मी। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय।